बड़ी और अहम जानकारी मुंबई से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ परिवारवाद का जो बयान है, आपको बता दे रणवीर सिंह के खिलाफ परिवारवाद दायर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कोर्ट ने परिवाद को किया स्वीकार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं, अभिनेता रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट का मामला, रणवीर सिंह के खिलाफ परिवाद दायर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिहार से सामने आ रही, आपको बता दें रणवीर सिंह के खिलाफ परिवाद दायर की गई है, कोर्ट ने परिवाद को किया स्वीकार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं, अभिनेता रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट का मामला, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निर्भय किशोर जुड़ चुके हैं। जी निर्भय, जो अभिनेता है रणवीर सिंह, इनको लेकर जो इन्होंने न्यूड फोटो जो शूट करवाया था उसको लेकर लगातार वार और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए मनीषा, जिस तरीके से खास करके बात की जाए तस्वीरों को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं अभिनेता रणवीर कपूर के ऊपर, अब ऐसे में कई जगह पर देश के कई हिस्सों में जो उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं और लगातार लोग इसकी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू नैयर, उन्होंने एक परिवाद दायर किया है और इसको कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और अब इसकी सुनवाई जो है कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली जो सुनवाई की तारीख है वो 5 अगस्त को रखी। देखिए जिस तरीके से एक मैगजीन के लिए ये फोटो शूट किया गया और उसके बाद खुद रणवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर जो ये तस्वीरें साझा की, इसके बाद साफ तौर पर कोर्ट में जो परिवाद दायर किया गया है उसमें ये कहा गया है कि इन तस्वीरों को सबसे पहले सोशल मीडिया से हटाया जाए क्योंकि इन तस्वीरों ने महिलाओं के सम्मान पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि देखना होगा कि क्या कोर्ट इन तस्वीरों को हटवाती है रणवीर कपूर से, और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई है, तो क्या कोर्ट रणवीर सिंह को गिरफ्तार करने के आदेश देते हैं, ये सब कुछ अब सुनवाई के बाद ही पता चल पाए। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि अपनी फोटो जो है सोशल मीडिया से हटाएं, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट हटी नहीं है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा इसको, कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं दिए हैं, फिलहाल इसकी तारीख जो है वो 5 अगस्त को सुनवाई के लिए रखी गई है। सुनवाई के बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या कोर्ट रणवीर सिंह से वो फोटो हटवाती है, क्योंकि अभी फिलहाल जो परिवाद दायर किया गया है उसके मुताबिक कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है इस पर सुनवाई के लिए। अब उस वक्त जब सुनवाई होगी तब ये तय होगा कि क्या सच में ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें महिलाओं के सम्मान पर सवाल खड़े करती है, क्या ये तस्वीरें उस तरीके से, क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले को लेकर के देखेंगे तो इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के मुताबिक कई ऐसी धाराएं हैं, चाहे वो मैगजीन को लेकर के हो, अश्लील तस्वीरें साझा करना जो लोगों को परेशानी के लिए कारण बनते हो, तो ऐसे कई धाराएं लगी हैं, उन सारी धाराओं के तहत अगर मामला जो दर्ज किया गया है और इसके तहत जो अगर दोषी पाए जाते हैं रणवीर सिंह तो कोर्ट उन पर फैसला सुना सकती है, लेकिन सब कुछ 5 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। जी निर्भय किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।